मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो आज थर्सडे है और बहुत प्यारी सी धूप खिली हुई है। शायद मेरे ब्लॉग्स के थ्रू आपको लग रहा होगा कि शिकागो में तो हर रोज़ धूप खिल जाती है, तो यहाँ पे कैसी ठंड। बट येस, ठंड होती है शाम के टाइम, तो काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाता है। बट समहाउ हर रोज़ यहाँ पे अभी तक तो मुझे धूप दिखाई दे रही है, जो कि अच्छी लगती है। धीमी धीमी धूप होती है, बहुत तीखी नहीं है, बट धूप में बैठ के फ्रूट्स खाना वो सब हम बहुत इन्जॉय करते हैं। और जिस दिन धूप आती है ना, मेरे बेडरूम में धूप आती है डायरेक्ट, तो मैं शेड्स वगैरह सब ओपन कर देती हूँ और नहाने के बाद थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के विटामिन डी जितना हो सकता है उतना ले लेती हूँ। और गोविंद को भी यहीं पर मैंने अपने पास बिठाया हुआ है। तो अभी हम लोग अपना मिड मॉर्निंग स्नैक ले रहे थे। मैं ऑरेंज जूस अपने लिए बनाकर लेकर आई हूँ और गोविंद को ग्रेप्स दे रखे हैं। गोविंद के लिए जूस नहीं लेकर आई हूँ क्योंकि उसको ना थोड़ा सा थ्रोट इन्फेक्शन हो रखा है और काफ़ी ज़्यादा कफ है, तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दे रही जो ठंडा करती है, इसीलिए उसके लिए आज कोई जूस नहीं है। आई नो ऑरेंजेस खाना ज़्यादा अच्छा होता है जूस पीने से, बट समहाउ ना मुझे ऑरेंजेस खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए आई प्रेफर हैविंग जूस। मम्मी भी ना बचपन से जब भी हमें ऑरेंजेस देने होते थे ना तो जूस बना देती थी, तो इसीलिए जूस ज़्यादा अच्छा लगता है। जूस में हल्का सा काला नमक डाल के फिर पियो तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस अभी थोड़ा सा बैठूंगी आराम से, थोड़ा सा धूप इंजॉय कर रही हूँ। और मैंने ना अपने पौधे भी यहीं पे लाकर रखे हैं। मनी प्लांट है और एक छोटा सा, मैं आपको दिखा रही थी ना, मेरा मिनी प्लांट पूरा सूख गया था, बट एक छोटी सी रे ऑफ होप हमें दिखाई दी है, उसमें छोटे छोटे से प्लांट्स बड कर रहे हैं। आई डोंट नो वो तुलसी है या मिंट है, बिकॉज इसमें मैंने तुलसी सीड्स डाल दिए थे और मिंट के जो सूखे हुए पत्ते थे ना वो भी मैंने सॉइल में मिला दिए थे, तो पता नहीं अब ये क्या निकल रहा है, बट कुछ तो स्प्राउट हो रहा है। जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा शायद तब पता चलेगा कि क्या, बट यस कुछ हो रहा है और देख के बहुत अच्छा लग रहा है। आपको जूस पीना है? अच्छा, बट आपका थ्रोट खराब है ना बेटा, आपको कफ हो रखा है ना, इसलिए मम्मा जी आपको जूस नहीं पिला सकती। इनको वही चीज चाहिए जो मम्मा खा रही है या फिर जो उनको मना कर रहे हैं। अगर मैं ऐसे जूस पिलाने वाली होती ना तो फिर वही इनको थोड़ा सा भैला फुसला के पिलाना पड़ता, बट आज नहीं दे रही हूँ तो अब जूस चाहिए। इस बार मैं लाइब्रेरी से अपने लिए ये वाली बुक इश्यू करा कर लाई हूँ, ब्रीद मामा ब्रीद। इट इज ऑल अबाउट गेनिंग सैनिटी फॉर द बिजी मॉम्स वंस अगेन। हम लोग बिजी मॉम्स ना हमेशा क्या होता है कि किसी ना किसी काम से सराउंडेड रहते हैं, बच्चे के काम से, घर के काम से, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि टाइम आगे आगे भाग रहे हैं और हम बस किसी तरह कैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने ये नोटिस किया कि मेरे लाइफ स्टाइल में ना कोई भी अच्छी हैबिट नहीं है, लाइक रीडिंग या पेंटिंग, एंड पेंटिंग भी मैं बहुत ही ओकेजनली करती हूँ। तो मैंने सोचा रीडिंग से फिर से स्टार्ट करते हैं। जस्ट 5-7 मिनट जितना भी मुझे दिन में मिलेगा मैं इसका चाहे एक पेज पढ़ूं, लेकिन पढ़ूंगी जरूर। तो ये वाली बुक मैं लेकर आई हूं और मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। मैं 8th पेज पे हूं अभी इसके एंड आई एम रियली लाइकिंग इट। द राइटर टॉक्स अबाउट मेडिटेशन इन अ डे फॉर जस्ट 5 मिनट्स फॉर अस, जब हम सब कुछ भुला के जस्ट अपने ऊपर ध्यान देते हैं, अपने पॉजिटिव थॉट्स पे ध्यान देते हैं। रीडिंग सेशन बस अब खत्म हो गया है, अब मुझे उठना पड़ेगा, लंच बनाना पड़ेगा क्योंकि मेरा जमूरा खाना खाएगा थोड़ी देर बाद, इसे भूख लग जाएगी, तो लंच की प्रेपरेशन करनी है। मैं अराउंड 10:30 यहाँ आकर बैठी थी, बहुत अच्छी सनलाइट आ रही थी, बट अब शायद धीरे धीरे ना सन भी चलता चलता आगे जाएगा और फिर यहाँ तो 4 बजे ही बिल्कुल अंधेरा सा अब हो जाता है, मतलब 4:15 तक तो कंप्लीट डार्कनेस हो जाती है। तो बस अब धूप का मज़ा ओवर हो गया है, तो चलते हैं लंच बनाते हैं। आज मैं बनाने वाली हूँ काली दाल, दाल मखनी जिसे हम बोलते हैं, उसे मैंने बॉईल ऑलरेडी मॉर्निंग में कर लिया था, तो बस अब तड़का बनाना है और आटा वगैरह लगा के मैं रेडी करूँगी लंच। काफ़ी लोग पूछते हैं कि मैं कौन सा आटा यूज़ करती हूँ, तो मैं सुजाता का मल्टी ग्रेन फ्लोर यूज़ करती हूँ जिसमें वीट, बार्ले, ओट्स, रागी, चना दाल वगैरह सब मिक्स्ड रहता है। इसकी रोटियाँ ना अगर आप लंच बॉक्स में भी देते हो ना तो टाइट नहीं होती, बिकॉज आई थिंक इसमें वीट फ्लोर की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा रहती है और ये रेस्ट ऑफ द फ्लोर्स कम रहते हैं थोड़े से, बट डेली यूज़ के लिए मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि सारे फ्लोर्स की गुडनेस भी मिल रही है और फिर रोटियाँ भी आपकी टाइट नहीं हो रही। तो मैं ये सुजाता का मल्टीग्रेन फ्लोर लेकर आती हूँ।
अभी मैं अपने आटा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मेरे पास ये कुछ बेबी स्पिनच रखा था, तो इसे मैं इलेक्ट्रिक चॉपर में डाल के फाइनली चॉप कर लूँगी और इसे अपने आटे में लगा लूँगी। मैंने कुछ व्लॉग्स पहले आप लोगों के साथ मिक्स वेज पराठा शेयर किया था, तो आप लोग चाहते हैं उसकी डिटेल रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो अपकमिंग व्लॉग्स में आपको वो ज़रूर देखने मिलेगी। मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं किस तरीके से मिक्स वेज पराठे बनाती हूं गोविंद के लिए। विंटर्स में ना आप जितना ग्रीन्स खाएं उतना ज़्यादा अच्छा है, तो मैंने हेल्दी सा ये पालक मिला के आटा बनाया है। इसकी आप रोटी बनाएं, पराठा बनाएं, सभी बहुत टेस्टी बनते हैं। कोई भी मसाला ऐड नहीं किया, सिंपल बस पालक को चॉपर में चॉप करके आटा गूंथ लिया है और ये आटा बहुत हेल्दी होता है। दाल का तड़का बनाने के लिए घी में हींग, जीरा, जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिलीज ऐड किए हैं। 2-3 मिनट सॉटे करने के बाद इसमें मैं करीबन हाफ अनियन मैंने लिया है वो डाल दिया है, और अनियन को क्विकली सॉटे करने के लिए आप नमक ऐड कर दीजिए। अनियन फटाफट से पानी छोड़ देती है और फटाफट से कुक हो जाती है। तो यहाँ पे मेरी अनियन कुक हो रही है, अभी मैं आपको मसाला दिखा देती हूँ इसमें मैं क्या क्या डालूंगी। तो यहाँ पे एक कटोरी में मैंने 1 चम्मच कोरिएंडर पाउडर, 1 चम्मच किचन किंग मसाला और थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है, और इसको मैं थोड़ा सा पानी डाल के एक स्लरी बना लूंगी। इस तरीके से अगर आप मसाले अपने छौके में ऐड करेंगे ना, तो मसाले जलेंगे भी नहीं और इवनली कुक होकर बहुत फ्लेवरफुल लगता है। तो अनियन हो गई, अब मैंने टमेटोज ऐड कर दिए और उसके बाद मैंने ये सारे मसाले भी ऐड कर दिए, और अब 3-4 मिनट में ही तड़का बन के तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए मेरी दाल भी बॉयल हो चुकी है। मैंने उड़द दाल ली है विद स्किन और अराउंड 20 पीसेस राजमा के भी इसमें डाले थे। राजमा और दाल का कॉम्बिनेशन दाल मखनी में बहुत अच्छा लगता है। तो दाल भी मैंने मिला दी है तड़के में, पानी डाल दूंगी और ये देखिए दाल अच्छे से बॉईल हो गई है। लास्ट में इसमें मैं थोड़ा सा घर का पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करूंगी, एंड ट्रस्ट मी एट दिस पॉइंट पूरी किचन महक उठती है। इतनी अच्छी खुशबू आती है ना कि मज़ा ही आ जाता है, और दाल भी बहुत फ्लेवरफुल हो जाती है। एंड सिंस दाल मखनी है तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच हैवी क्रीम। आप चाहें तो इसमें घी ऐड कर सकते हैं, बटर ऐड कर सकते हैं, कुछ भी जो भी आपके पास अवेलेबल है। और ये देखिए हमारी गर्मा गर्म दाल मखनी बनके तैयार है। अभी वॉइस ओवर करते वक्त भी मुझे ड्रूलिंग हो रही है, मन कर रहा है ये दाल मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। जो मैं मैगी तो इंडियन स्टोर से वो बनाऊंगी मैं बोर्ड पे। ओके मैगी बना दो। सच्ची में नूडल्स बना रही है तो अच्छा सच्ची मुच्ची के मैगी बना रही है तो भाई सच्ची में वेरी नाइस। I make it for you आइसक्रीम्स। इस बार हम गोविंद के लिए लाइब्रेरी से ये वाली बुक लाए थे, आई एम गोइंग टू प्री स्कूल जस्ट टू गेट हिम स्टार्टेड। और पता है वहाँ पे ना पॉटी ट्रेनिंग से रिलेटेड बुक्स भी थी, विच इज सो इनोवेटिव ना, बच्चों को हर चीज सिखाने के लिए बुक्स हैं। गोविंद को अभी मैं सुलाकर आई हूँ, उसकी आवाज़ मुझे अंदर से आ रही है, वो सोया नहीं है। 1 घंटा मैंने पूरा कोशिश किया उसे अच्छे से सुलाने का। आई थिंक मैं 3:15 पे उसे अंदर लेकर गई थी और आप देख सकते हो 4:05 हो गया है। उसे ना काफ़ी ज़्यादा कोल्ड है, तो मुझे ये था कि मैंने मेडिसिन दी है, थोड़ी देर सो जाए तो उसे गले में थोड़ा सा आराम मिलेगा। बट बच्चे तो बच्चे हैं ना, उन्हें बिल्कुल सोना नहीं है, वो पूरा टाइम खेलता रहेगा। और 6 o'clock, 7 o'clock उसकी इतनी ज़्यादा एनर्जी, जब बिल्कुल एकदम नेगेटिव में चली जाएगी ना, तब वो बोलेगा कि अब मुझे सोना है, और जहाँ बैठा होगा वो वहीं हो जाएगा। तो परसों रात तो उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, तो मैंने आपको दिखाया भी था लास्ट व्लॉग में कि मैंने ये हाईलैंड्स का कफ सिरप उसके लिए मंगाया है, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। परसों मैंने उसे पूरा दिन दिया और कल मैंने इसे पूरा दिन दिया, आज मैं इसे दे रही हूँ, तो काफ़ी मुझे फ़र्क लग रहा है। उसको ड्राई कफ हुआ है, और एक चीज़ जिसने उसके ड्राई कफ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, और वो है ये लेवाइट का अल्ट्रासोनिक कूल मिस्ट ह्यूमिडिफायर। ये मुझे लेवाइट ने सेंड किया था फॉर प्रोडक्ट रिव्यू ऑलमोस्ट अ मंथ अगो, एंड अगर आप मेरे व्लॉग्स रेगुलरली फॉलो करते हो तो आपने इसे देखा भी होगा मेरे व्लॉग्स में। तो ये है मेरी ह्यूमिडिफायर मशीन, ये 2 पार्ट्स में है, ऊपर वाला है वाटर टैंक, नीचे है ऑपरेटिंग यूनिट। तो मैं अभी आपको इसका वाटर टैंक दिखाती हूँ। वाटर टैंक
के ऊपर यहाँ पे इतना बड़ा सा कैप लगा हुआ है जिसे आप ओपन करके इसे नॉर्मल अपने टैप वाटर से फिल कर सकते हैं। और ये इसकी ऑपरेटिंग यूनिट है, यहाँ पे आप देखेंगे एक स्विच लगा हुआ है, इसके दो मोड्स हैं ऑपरेशन के, विद लाइट और विदाउट लाइट, एंड मिस्ट लेवल बनाने के इसके तीन लेवल्स हैं, 1, 2, 3, डिपेंडिंग ऑन योर विश आप इसके एडजस्ट कर सकते हैं लेवल को। एंड सिंस हमारे पानी में थोड़ा सॉल्ट तो ज़रूर होता ही होता है, तो इस यूनिट की आपको क्लीनिंग करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको इसके साथ एक ब्रश भी मिलता है, एक साइड ब्रश हेड है, एक साइड स्क्रेपर है। और इसे बेस्ट क्लीन करने के लिए आप इसमें थोड़ा सा विनेगर डालकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, जिससे कि जो भी स्केलिंग हुई है, जो भी सॉल्ट डिपॉजिट हुआ है, वो थोड़ा सा पॉप हो जाएगा। और उसके बाद आप स्क्रेपर से हल्का हल्का स्क्रेप करके इसे फ्रेश वाटर से क्लीन करके फिर से आप यूज़ कर लें। और इसे आपको डेली क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है, फॉर अबाउट 2 वीक्स ये आराम से काम करता है, हर आप 15 डेज में इसे क्लीन कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका ऑपरेशन एक बार करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये इस तरीके से आ जाता है। और अगर आपका पूरा टैंक फिल होगा तो लोवेस्ट सेटिंग पे ये आपको आराम से 17-18 आवर्स तक सर्व कर देगा। अगर आप इसे हाईएस्ट लेवल पे सेट करेंगे, लाइक थर्ड लेवल पे जिसमें मिस्ट बहुत ज़्यादा बनती है, तब ये टैंक फॉर अबाउट 7-8 आवर्स काम करता है। तो अभी हमने सेटिंग को लो पर रखा है और आप मिस्ट लेवल देख सकते हैं। जैसे ही मैं इसका मिस्ट बढ़ाऊँगी, ये देखिए, ये हाईएस्ट मिस्ट ये प्रोड्यूस करता है, विच इज़ प्रिटी गुड। ये देखिए, अभी मैंने 3 पे इसको सेट किया है और मिस्ट काफ़ी अच्छी सी बन रही है। एंड एट द सेम टाइम अगर आपको नाइट में बल्ब भी चाहिए, विच कैन वर्क फॉर यू एज अ नाइट बल्ब, तो आप इसका ये वाला फीचर भी यूज़ कर सकते हैं दूसरी साइड टर्न करके। Having a humidifier at home is a must. अगर आप किसी ठंडी जगह पे रहते हो, जैसे हम लोग शिकागो में रहते हैं, तो यहाँ पे ना हीटर पूरा दिन ऑन रहता है, लाइक 24/7 यहाँ पे हीटर ऑन रहता है, जिसकी वजह से ना घर की जो एयर होती है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है और फिर आपकी स्किन, नोज, थ्रोट सब कुछ बहुत ड्राई फील करता है। तो हैविंग अ ह्यूमिडिफायर, आपके जो घर की एयर होती है वो थोड़ी सी ह्यूमिड हो जाती है, जिसकी वजह से आपको फ्रेश और हेल्दी स्किन लगती है, थोड़ी सी मॉइस्ट लगती है, और आपको जो इन्फेक्शंस होते हैं, लाइक कंजेशन, थ्रोट इन्फेक्शंस, वो थोड़े से कम होते हैं और ड्राई कफ होने के काफ़ी कम चांसेस रहते हैं। और जब भी आप ह्यूमिडिफायर यूज़ करते हैं ना, तो मेक श्योर करिएगा कि आप इसे कार्पेट फ्लोरिंग या वुडन फ्लोरिंग पे मत रखिएगा, इसे सॉलिड ग्रेनाइट फ्लोर पे आप रखिएगा। तो पूरा दिन मैं इसे अपनी किचन में लगा कर रखती हूँ और नाइट टाइम में जब हम सोने जाते हैं तो इसे मैं अपने बेडरूम में लेकर जाती हूँ और वहाँ के वॉशरूम में मैं इसे रख देती हूँ। एंड ट्रस्ट मी, ये लगाने के बाद जब आपका पूरा दिन हीटर चलेगा, तब भी आपका थ्रोट जो खिचखिच करता है ना, जो सूखा सूखा सा लगता है, वो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। लास्ट टू लास्ट नाइट गोविंद को बहुत ज़्यादा ड्राई कफ हो रहा था, एंड ट्रस्ट मी, मैंने ये चलाया तो उसको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिला। सो दिस प्रोडक्ट इज़ एन अमेजिंग वन फॉर मी। इसका परचेज लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेक जरूर करिएगा। एंड आई वुड से अगर आपको बाय करना है तो आप देख सकते हो, काफी अच्छी सी मशीन है और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं गोविंद को चाय पिलाती हूँ क्या, तो यस, मैं गोविंद को अदरक वाली चाय पिलाती हूँ। उसके दूध में ना मैं पानी नहीं ऐड करती, दूध बॉईल करके उसमें अच्छे से अदरक और लौंग कूट के डाल देती हूँ और थोड़ी देर फिर उसे सिमर होने देती हूँ। तो वैसे चाय बनाती हूँ उसकी मैं, बहुत ही हल्की सी चाय पत्ती के साथ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है ना, तो बच्चों को भी थोड़ी सी अंदर से वार्मथ मिलती है। और गोविंद का तो गला भी ख़राब है, तो जब भी गला वगैरह ख़राब होता है तब तो मैं श्योरली चाय देती ही देती हूँ। अदरवाइज़ भी मेरी कोशिश रहती है कि वीक में 3-4 बार तो मैं इसे चाय दे दूँ एक टाइम दिन में, या फिर मैं इसे हल्दी वाला दूध दे देती हूँ रात को, अगर इसका मन होता है पीने का। बट इसे ना समहाउ हल्दी वाला दूध पसंद नहीं आता, बहुत नखरे करता है पीने में, है ना? नखरे करते हो आप? हमारी गर्मा गर्म शाम की चाय आज अंशुल ने बनाई है, थैंक यू। अभी हम लोग जा रहे हैं लाइब्रेरी और वॉलमार्ट। एक्चुअली इस वीक जब मैं लाइब्रेरी गई थी ना, तो रिटर्न बुक्स लेके जाना भूल गई थी और उनकी ड्यू डेट कमिंग ट्यूसडे की है, तो आई एम नॉट श्योर इस ट्यूसडे मैं जा पाऊँगी या नहीं जा पाऊँगी, तो मैंने सोचा कि ये बुक्स रिटर्न कर देती हूँ। और एक बुक मैंने होल्ड पे रखवाई थी तो वो भी आ गई है, मेरी बुक है, आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड बिकॉज मैंने अभी रीडिंग स्टार्ट की है। तो मैंने सोचा एक दो बुक्स अच्छी अच्छी मैं इशू करा लेती हूँ और उसके बाद फिर पूरे एंथों के साथ उन्हें पढ़ूंगी, तो वो भी आ गई है, तो वो भी पिक करनी थी। तो ये लाइब्रेरी का बैग, उसके साथ सारी बुक्स ले ली हैं गोविंद की जो रिटर्न करनी है।
घर वापस आ गए, बहुत सुंदर क्रिसमस लाइटिंग लगी हुई थी। एक्चुअली घर में रहते रहते ना विंटर डेज काफी ग्लूमी लगते हैं, सुबह होती है काम करने लगते हैं और शाम होते होते अंधेरा हो जाता है, तो लगता है दिन कितना छोटा था, काम में ही बीत गया। बट बाहर निकले, लाइटिंग देखी तो काफी अच्छा लगा और मैंने लाइब्रेरी से ये वाली बुक इशू कराई है, द रियल रूल्स ऑफ लाइफ। आई एम प्रीटी मच एक्साइटेड टू रीड दिस बुक बिकॉज मैंने इसके काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ पढ़े हैं और मैं आपको अपना रिव्यू पढ़ने के बाद बताऊँगी। ये बुक मुझे 3 वीक्स के लिए इशू हुई है और यहाँ पे ये अच्छी बात है कि अगर ये बुक किसी और को नहीं चाहिए होगी ना तो 3 वीक्स के बाद ऑटोमेटिकली मेरे लिए ही रिन्यू हो जाएगी। तो आई एम हैप्पी कि मैं अपने लाइफ स्टाइल में कुछ अच्छे चेंजेस कर रही हूँ। तो कोशिश करिए मेरे साथ आप लोग भी कुछ पॉजिटिव चेंजेस करिए अपने लाइफ स्टाइल में, और अगर आप कुछ ऐसी अच्छी हैबिट फॉलो करते हैं रेगुलर बेसिस पे तो वो मेरे साथ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। एंड बस अब जाऊंगी बाहर, डिनर वगैरह बनाऊंगी, रोटी बनानी है मुझे, दाल बनी हुई है, आटा वगैरह सब है दिन का, और उसके बाद मिलके सब लोग डिनर एंजॉय करेंगे और इस दिन को ख़त्म करेंगे क्योंकि कल फ्राइडे है, गोविंद को प्री स्कूल लेकर जाना होता है तो फ्राइडे भी काफ़ी लॉन्ग डे हो जाता है, हाफ डे तो आपको पता ही है गोविंद के साथ निकल जाता है, तो जल्दी भी सुलाना होता है गोविंद को जिससे कि कल मैं उसे जल्दी उठा पाऊँ। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, होप करती हूँ आपने इन्जॉय किया होगा। अगर इन्जॉय किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, बिना लाइक किए बिल्कुल मत जाइएगा, शेयर कीजिएगा उन सभी लोगों के साथ जिनको ऐसे पॉजिटिव ब्लॉग्स देखना पसंद है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाओ, और कमेंट सेक्शन में अपने प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर छोड़िएगा बिकॉज यू नो आई लव यू ऑल एंड आई लव रीडिंग ऑल योर लवली कमेंट्स। और फिर से मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए आप ढेर सारा अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हैप्पी रहिए, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।